हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तो शाम मतलब रात का टाइम है और मैंने रखा था दूध काटने के लिए, क्योंकि कल मेरे को इसकी बनानी है रबड़ी। और रबड़ी बनाते बनाते मेरे पास टाइम था, मैंने सोचा चलो सुबह का जो काम है थोड़ा बहुत वो भी कर लेती हूँ। तो जो टोबले में बर्तन थे वो मैं खाली कर रही हूँ, जमा दूँगी, और जो छोटा मोटा जो बचा हुआ काम है वो कर लूँगी। तब तक ये दूध भी कटता रहेगा, क्योंकि इसको कटने में भी टाइम लगता है। और ये रबड़ी तो बन चुकी है, अब इसको मैं खाली कर दूंगी, ठंडी करके बर्तन में रख दूंगी। और इसका करते हैं सुबह में इस्तेमाल। क्या बनाती हूँ आपको आगे ब्लॉग में देखना पड़ेगा इसके लिए। और सुबह भी हो चुकी है सभी को, आज मैंने खाना नहीं बनाया, सुबह में पोहे बना लिए थे तो बस उसी का नाश्ता हो चुका है। और आज है हरियाली अमावस, तो बस उसी दिन हमारे यहाँ कुछ ना कुछ अच्छा सा बनता है। और कुछ अच्छे में यही है कि घेवर बनते हैं और मालपोहे बनते हैं, तो बस वही तैयारी चल रही थी। तो मैंने सारा पेस्ट वेस्ट बना लिया, गैस पर रखी थी मैंने पहले तभी, तो मैंने कहा चलो उसमें टाइम लगेगा और धीरे धीरे बनता है, इसलिए फिर ऊपर आ गए, चूल्हा जला लिया। और यहाँ पे जीजी बना रहे हैं, उनको बिठा दिया है बनाने के लिए, तो वो बना रहे हैं घेवर। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था जो घेवर बनाना, वो मैंने सीखा था इसीलिए ताकि हम जब अमावस पे बनाएं तो अच्छे से बन जाए। और ये बहुत ही अच्छे से सारे घेवर बन चुके थे, पिछली बार मैंने आधे बिगाड़े थे और आधे बने थे मेरे, लेकिन इस बार सिर्फ एक वो भी फर्स्ट वाला बिगड़ा था, वो भी मैंने तेल ठंडा था उसमें डाल दिया था इसीलिए बिगड़ा, बाकी दूसरा सारे अच्छे से बन गए। और आज मौसम भी इतना अच्छा हो रखा है, बारिश हो रही है सुबह से शाम तक, मतलब रिमझिम बारिश हो रखी है, तो मौसम भी बहुत अच्छा है। और तो आज है हरियाली अमावस और मेरे बेटे का बर्थडे भी है, आज है 4 अगस्त, तो उसका है जन्मदिन, लेकिन उसका जन्मदिन हम मनाते नहीं हैं, लेकिन आज अमावस है तो उसी में हमने ये सारी चीज़ें बना ली थी तो अच्छा लगा, वरना पूरा दिन मतलब ऐसे उसका बर्थडे बनाते नहीं है तो खाली सा जाता है और अच्छा नहीं लगता, बच्चों को भी नहीं अच्छा लगता, वो भी फिर पूछता है कि मेरा बर्थडे क्यों नहीं मना रहे हैं। और फिर उसके बाद मैं बना रही हूँ रबड़ी के मालपुए, तो ये घोल में नीचे से बना के ले आई और पूरे कमरे में मतलब आधे आधे कमरे में पूरा ऐसे गीला गीला हो रखा, पानी आ रहा है उसी की वजह से चारों तरफ ऐसे गीले। पिछली बार हरियाली अमावस में मैंने अकेली नहीं सारी चीज़ें करी थी, मतलब सुबह से शाम हो गया था, अकेले करो और एक दो जन मिल के करो तो उसमें फ़र्क पड़ता है, टाइम की भी बचत होती है और जल्दी हो जाता है, और एक अकेला इंसान थकता भी नहीं है। पिछली बार मैंने अकेले बनाया था तो मैं मतलब सुबह से शाम तक वो उसका व्लॉग भी मैंने मतलब बनाया था, वो आप चाहो तो देख सकते हो। और इस बार जीजी और मैं हम दोनों तीनों ने मिलकर बना लिया तो वो जल्दी काम हो गया और अच्छा भी लगा, वो दोनों भी यहीं थे तो अच्छा लगा, वरना वो तो अपने अपने ससुराल रहते हैं इसलिए। और फिर घेवर है तो घेवर भरने की बारी आ गई, तो जो चाशनी बची थी वो उसी से घेवर भर लिए हैं और रबड़ी डाल दी है, रबड़ी अब काम आई। मैंने आधी रबड़ी के मालपुए बना लिए और आधी रबड़ी इस घेवर के ऊपर डाल दूंगी। और ये जो घेवर का टेस्ट है ना, ये मार्केट वाले घेवर से भी बढ़िया लगते हैं। तो मैं आपके साथ सभी त्यौहार अच्छे से शेयर करती हूँ, और ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ शुरू से होते आ रही हैं, मैं शुरू से देख रही हूँ और मैं खुद ही करती हूँ इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद जो अभिषेक किया था हमने शिवरात्रि के दिन जो अभिषेक हुआ था पार्थिव शिवलिंग का, और उसके बाद जो सामान रह गया था थोड़ा बहुत बचा हुआ वो सभी बाहर ही रखा हुआ था, क्योंकि फिर मैं दूसरे कामों में लग गई थी उधर, तो इधर रह गया था, तो बस अभी टाइम मिला मेरे को तो मैंने सोचा चलो इनको सभी को भी रख देती हूँ संभाल के, क्योंकि पूजा के वक्त ही सारा सामान की ज़रूरत होती है, बाकी ऐसे तो नॉर्मली पूजा होती है भगवान की। तो माय फैमिली, अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको मेरे हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरा ब्लॉग को पूरा देख सके।
अब इसके बाद व्लॉग आएंगे, क्योंकि मेरे को ना अब तैयारी करनी है, पूरा ध्यान रखना है जन्माष्टमी के लिए। कान्हा जी की मेरे को ड्रेस बनानी है, तो बस अब मैं उसी की तैयारी करने वाली हूँ। वो उनकी ड्रेस बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं बेफिक्र हो जाऊँगी, क्योंकि मेरे को उनकी ड्रेस बनाना है। और उनकी ड्रेस ना मेरे को यहाँ अच्छे से नहीं मिलती है, लेकिन इतनी अच्छे से नहीं मिलती जैसा मेरे को चाहिए, वैसे उस तरीके से यहाँ पर ड्रेस नहीं मिलती है। तो बस उसी की मेरे को अब तैयारी करनी है। सामान मैंने ला के रखा है, लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं उनकी ड्रेस बना सकूं। लेकिन अब मैं ये जो त्यौहार है ये पूरे हो चुके हैं, तो अब मैं अभिषेक भी हो गया है और ये हरियाली अमावस भी हो गई है, और यहाँ शताक्षी भी सोई थी, उठ के आ चुकी है। रेंडम थैंक यू बोलो ना, थैंक यू बोलो भैया को, मैं को तो दे, हमारे लिए नहीं है क्या, क्यों तेरे को नहीं दिया, नहीं दिया। और क्या बोलेंगे, मेरे को खिलाना सब, तू मेरे को भी तो खिला। खा लो, कितने देखो तो इतनी सी डिश में ना।